हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ 2024 लेटेस्ट मॉडल TVS जुपिटर 125 स्मार्ट एस कनेक्ट टॉप मॉडल, जिसके अंदर आपको दो कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला कलर है रेड कलर एंड दूसरा आपको मैटी कॉपर कलर मिल जाता है। आज के इस वीडियो में अपन मैटी कॉपर कलर का फुल डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। अपेंड वेरिएंट के अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर्स मिल जाता है। फुली फीचर लोडेड आपको स्कूटर मिल जाता है। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस स्कूटर के 2024 लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस कितनी है, इसका माइलेज कितना है, क्या टॉप स्पीड एंड क्या फीचर्स आपको इस स्कूटर के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच करिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी ऑन रोड प्राइस की। तो 1,16,600 रुपये का आपको स्कूटर ऑन रोड मिल जाता है जयपुर सिटी के अंदर। इसकी फ्रंट प्रोफाइल के अंदर आपको नॉर्मल से मिरर मिलते हैं। इसके बाइजर के ऊपर आपको स्मार्ट कनेक्ट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। इसके फ्रंट में आपको एलईडी हेडलाइट का सेटअप देखने को मिल जाता है। एलईडी डीआरएल लाइट भी आपको इसके अंदर मिल जाती है। इसके अंदर आपको हजार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप इसके चारों इंडिकेटर को एक साथ ऑन कर सकते हो। इसके फ्रंट में आपको TVS की ब्रांडिंग मिल जाती है। नंबर प्लेट माउंटर आपको इसकी फ्रंट प्रोफाइल के अंदर मिल जाता है। सस्पेंशन के ऊपर आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है, जो नाइट वगैरह के लिए काफी अच्छा फीचर्स मिल जाता है। इसके फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं। 220 mm की डिस्क आपको इसकी फ्रंट प्रोफाइल के अंदर मिल जाती है। डायमंड कट के अलॉय व्हील आपको इसकी फ्रंट प्रोफाइल के अंदर मिल जाते हैं। इसके फ्रंट में टायर सेक्शन की बात करूँ तो 19-19 12 इंचेस के ट्यूबलेस टायर आपको इसकी फ्रंट प्रोफाइल के अंदर मिलने वाले हैं। दोस्तों, टॉप एंड वेरिएंट के अंदर आपको जो खास फीचर्स देखने को मिलता है वो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो इसके अंदर आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको क्रोम फिनिशिंग मिल जाती है। जैसे ही आप इसके इग्निशन को ऑन करते हो तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको लो फील्ड वार्निंग, स्पीडोमीटर, RPM ग्राफ, इको मोड, पावर मोड, डिजिटल क्लॉक, डेट मंथ फीचर्स, ट्रिप मीटर्स, ओडोमीटर्स, GPS, नेविगेशन, रियल टाइम माइलेज, डिस्टेंस टू एम्प्टी, इंजन माल फंक्शन लाइट, डिजिटल फ्यूल गेज, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ, लो बैटरी वार्निंग, लो फील वार्निंग, सर्विस रिमाइंडर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। काफी सारे फीचर्स आपको स्कूटर के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। एंड इसकी टॉप स्पीड की बात करूं तो 95 किलोमीटर पर आवर्स की टॉप स्पीड आपको स्कूटर की मिल जाती है। इसके नीचे की तरफ को चार्जिंग पॉइंट का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से आप मोबाइल वगैरह चार्ज लगाकर नीचे की तरफ को जो स्टोरेज बॉक्स देखने को मिलता है यहाँ पर माउंट कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ में आपको स्कूटर मिलने वाला है। फ्रंट में आपको कैरी हुक मिल जाता है। 5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको स्कूटर के मिल जाती है। तो फील कैप का सिस्टम आपको बाहर की तरफ मिल जाता है, तो प्रैक्टिकलिटी के नाम से स्कूटर एक नंबर ऑप्शन हो जाता है। मेरी हाइट लगभग 5'7", मुझे काफ़ी अच्छा स्पेस इसके फ्रंट में मिल जाता है। जैसे ही आप इसकी की को बैक प्रेस करते हो तो इसकी जो सीट है ये ओपन हो जाती है। तो दोस्तों, TVS जुपिटर 125 के अंदर आपको दो हेलमेट रखने का ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों, सीट स्टोरेज आपको इस स्कूटर के अंदर काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से स्कूटर एक नंबर ऑप्शन हो जाता है। इसकी सीट हाइट की बात करूँ तो 765 mm की सीट हाइट आपको स्कूटर की मिल जाती है। रियर प्रोफाइल के अंदर आपको पिलियन के लिए एडजस्टेबल फुटर्स देखने को मिल जाता है, कुछ इस तरीके का। ऊपर की तरफ आपको क्रोम का वर्क मिल जाता है। मैट कलर फिनिशिंग के साथ में आपको स्कूटर मिल जाता है। अब बात लेते हैं इसके इंजन की। तो इसके अंदर आपको 125 cc सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक एयर कूल इंजन आपको इसके अंदर मिल जाता है, जो 8.4 bhp की पावर जनरेट करता है। 10.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। स्कूटर के माइलेज की बात करूँ तो स्कूटर आपको 50-55 का माइलेज निकाल कर देता है। साइड में आपको जुपिटर 125 की ब्रांडिंग मिल जाती है 3D क्रोम में। टॉप मॉडल के अंदर आपको बैकरेस्ट इनबिल्ट मिल जाता है, जिसके ऊपर आपको 125 की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। रिफ्लेक्टर आपको इसकी रियर प्रोफाइल के अंदर मिल जाता है। नीचे की तरफ को TVS का लोगो मिल जाता है 3D क्रोम में। यहाँ पे आपको टेललाइट देखने को मिलती है। साइड में आपको हेलोजन इंडिकेटर इसके रियर प्रोफाइल के अंदर मिल जाता है। नीचे की तरफ को नंबर प्लेट माउंटर, यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके रियर सस्पेंशन की। तो इसके रियर में आपको मोनोट्यूब सस्पेंशन मिल जाते हैं। इसके रियर में टायर सेक्शन की बात करूँ तो 19-19 12 इंचेस के ट्यूबलेस टायर आपको इसके रियर प्रोफाइल के अंदर मिल जाता है। इसके अंदर आपको 108 kg का कर्वेट मिल जाता है। 163 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में आपको स्कूटर मिलने वाला है। दोस्तों, ये था 2024 लेटेस्ट मॉडल TVS जुपिटर 125 टॉप एंड वेरिएंट का एक स्मॉल रिव्यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही बाइक रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहें।